Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. टॉपिक इस वक्त ये चल रहे हैं और डेफिनेटली हमारा मीडिया जो है ना क्राइसिस पे थ्राइव करता होता है. क्राइसिस के बगैर अब आप लोग हंसेंगे कि मैं क्या बात हूँ, बस फैक्ट है. या क्यास होगा, पॉलिटिकली तौर पर चीज़ें कोई थोड़ी सी वो होंगी, उसका क्राइसिस का शिकार होंगी, लीडरशिप क्राइसिस में होगी, लोग क्राइसिस में होंगे, या बट अगर मुआशरे में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसमें इश्यूज आ रहे हैं, तो जर्नलिज्म उस पर थ्राइव करता होते. सो हमारे लिए तो बड़े अच्छे दिन है आज के, जो पॉलिटिकली तौर पर आप कहेंगे यहाँ पे इस वक्त एक स्टॉर्म एक पैदा किया हुआ है. नवाज शरीफ साहब ने, उनके हामी उन्हें, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, वो भी हैं. सो लोगों को अपने मसाइल जो है ना वो भूल गए कि डॉलर 180 पे चला गया है, महंगाई हो गई है, 10 अरब डॉलर के हमने खाने पीने की चीज़ें मंगवा ली हैं. इस वक्त हमारी इकानमी की जो हालत है वो बहुत सबसे ज़्यादा पुअर है, कहीं पे रास्ता नज़र नहीं आ रहा. नए इलेक्शंस की बातें होना शुरू हो गई, नए वज़ीर आज़म की कि कौन होगा, डील होगी नहीं होगी. नवाज शरीफ साहब डील कर रहे हैं, हम उनके साथ पिंडी वाले डील कर रहे हैं. इमरान खान साहब गुस्से में हैं कि नवाज शरीफ को रिलीफ दिलाने की कोशिश की जा रही है. सो सारी चीज़ें जो है ना ये बड़ी कामयाबी से आप लोगों को जो असल इश्यूज़ हैं वो उनसे हमारी तवज्जो जो है ना हट जाती है. और अगली बात, आप लोग फिर नाराज़ हो जाएंगे. आपके इश्यूज़ पे तवज्जो रखी भी जाए तो आप लोग नहीं सुनना चाहते. तलीम पे आप नहीं सुनना चाहते, आप हेल्थ पे नहीं सुनना चाहते, आप लिटरेचर पे नहीं सुनना चाहते, आप दीगर जो सोसाइटी के मसाइले नहीं सुनना चाहते. मेरा मतलब यह है कि व्यूअरशिप की मैं बात करूँ, अगरचे आई एम नॉट हॉस्टेज टू द व्यूअरशिप. मैं तो वो फैक्चुअल जाता हूँ कि जो फैक्ट्स हैं उन्हीं पे बात करनी चाहिए. जो अच्छी खबर है, अच्छी स्टोरी है, उसको प्रोफेशनल अंदाज में बगैर सेंसेशनल उसका किए या उसमें झूठ सच की कोई उसमें अमेजिज मिलाए आपके साथ सीधी बात की जाए. लेकिन वो जो बहुत सारा हमारा मीडिया है वो इन चीज़ों को देखता होता है, लिहाजा आप लोग भी किसी हद तक थोड़े से कसूरवार हैं कि उन इश्यूज़ को आप अप्रिशिएट नहीं करते जिन पे मेरा ख्याल रोज़ आपको बहुत सारे इश्यूज़ का मसाइल का सामना करना पड़ता है. ये तो वैसे खैर उसमें दरमियान में बात आ गई. सो आज की जो बड़ी स्टोरी है वो फिर एक पॉलिटिकल स्टोरी है, नवाज शरीफ साहब के रिलेटेड है कि कुछ ऐसी धूल उन्होंने उड़ा दी है या उड़ा दी गई है कि जिससे समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है. मतलब उसका एक आई थी, चीज़ें आई थी, अभी भी कुछ ये सोर्सेज इसी पे से मेरी आज भी उनसे बात हुई, वो अभी भी इसी बात पे वो कर रहे हैं, उसी पे कैम है अपनी बात पे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी डायरेक्ट बातचीत हो रही है और उनके साथ जो डील जो है ना वो तकरीबन डील की फाइनलाइज होने वाली है. कुछ बड़ी हद तक बातें हो गई हैं, कुछ होने वाली हैं. तो मेरा इस पर थोड़ा सा डिफरेंट टेक भी है, अगरचे खबर अपनी जगह पर जैसे मैंने कहा कि क्या वाकई डील हो रही है या ड्रामा हो रहा है. ड्रामा कौन कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की तरफ से किया जा रहा है या पिंडी वाले जो हैं वो कर रहे हैं. दूसरी तरफ कौन किसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट यूजिंग द पीपल. ये जहन में रखें, सबसे बड़ा यूज़र होगा ना, लोगों को यूज़ कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके, जज्बात उनको उभार सके, उनके साथ ड्रामेबाजी, अदाकारी, फेकिंग, इट्स ऑल अबाउट फेकिंग. अगर मुझसे आप पूछें 27-28 साल के जो मेरा जर्नलिज्म का उस तजर्बा कहता है कि सियासत है जो ना पॉलिटिक्स, इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग, इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस, इट्स ऑल अबाउट सिंपथाइज लोगों के साथ करना, उनको ये यकीन दिला देना कि आपका मुझसे ज़्यादा हमदर्द हो ही नहीं सकता, आपके बच्चे, फैमिली, माँ बाप भी नहीं होंगे जितना मैं नहीं हूँगा. और इतने चलाक, श्रूट और समझदार लोग होते हैं माशाल्लाह, उसमें चरम जबानी कह लें कि ये लोगों को यकीन दिला के लाखों करोड़ों फैंस भी पैदा कर लेते हैं. और इनको अंदर से पूरा पता होता है कि ये तो हमारे साथ बड़े ये उसमें सीरियस हैं, लेकिन हम इनके साथ नहीं है. मुझे उनका एक वाकया याद आ गया. हमारे दोस्त काजी साइद जो है ना वो हमेशा सुनाते होते थे, मेरे साथ सुबह का मॉर्निंग शो करते थे, कि एक बार भुट्टू साहब और जय रहीम साहब शायद जा रहे थे, तो रस्ते में कहीं पर आकर फाटक बंद हुई तो लोग इकट्ठे, उन्होंने इनकलाब के नारे मारना शुरू कर दिए. तो भुट्टू साहब ने कहा उनको, जय रहीम साहब को, अगेन जो उन्होंने कोट किया था, कहीं पढ़ा होगा उन्होंने, कहा साहब ने, उन्होंने कहा जी, उनका कहना हम सीरियस हैं या नहीं है इनकलाब के बारे में, ये मजमा तो सीरियस लग रहा है, आवाम तो सीरियस लग रही है कि इनकलाब ले आना चाहिए. सो आवाम जो है वो सीरियस होती है. लीडरशिप, मेरा ये ख्याल है, अपने मफादात के लिए, अपने पक्ष प्रिविलेजेस के लिए, याशियों के लिए वो अदाकारी कर रहे हैं, फॉलोइंग अपनी पैदा कर रहे हैं. सो अब ये भी देख रहे हैं क्या ये ड्रामा है, एक्टिंग है, ये कौन एक्ट कर रहा है, एक दूसरे को यूज़ किया जा रहा है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट जो है उसे लिए जा सके. डील जो है कितना मतलब सच्ची है, कितनी उसमें ये पक्की है. और इमरान खान साहब ने जो बड़ा बयान दिया दरमियान में, उन्होंने स्पेलर फेंका है कि जनाब के अगेन कुछ ये लोग जो हैं या कुछ वो सुना है कि उसको नवाज शरीफ साहब को ना रिलीफ दिलाने की कोशिश की जा रही है. अब इमरान खान साहब का जो कहना बड़ा सिग्निफिकेंट है, वो क्या अपोजिशन लीडर नहीं है, वो कि टीवी पे शो नहीं करते हमारी तरह के, चले सवालात उठाएं, क्वेश्चंस उठाएं भी कौन नवाज शरीफ साहब को डील देने की कोशिश कर रहे हैं, कौन रिलीफ देने की कोशिश कर रहा है. अब रिलीफ तो दो तीन उससे जगहों से मिल सकता है ना, या तो आपका इशारा जुडिशरी की तरफ है या हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है. पाकिस्तान में तो इसी तरह के रिलीफ ये मिलते रहते हैं. और इमरान खान साहब ये जानते हैं बड़े अच्छी तरीके से, क्योंकि खुद वो इन्हीं दोनों के बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं कि अदालतों से भी उन्हें रिलीफ मिला है और उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने तो खुलकर सपोर्ट किया, जिसका वो खुद भी कहते थे और मिलिट्री लीडरशिप भी कहती रही है. सो
उन्हें पता है कि जब भी रिलीफ मिलना होता है कि 2+2=5 करना होते, 4+5 करना होते, तो ये दो इदारे जो हैं इनकी मदद और सपोर्ट जो है ना बड़ी वाइटल और बड़ी क्रूशल होती है। सो इमरान खान साहब ने सवाल उठाए हैं कि उनको रिलीफ दिलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है, खबरें आ रही थी कि शायद एक पटिशन जो है वो पेश की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें उन वो आके नवाज शरीफ साहब के जो उनको सजाएँ दी गई हैं उनको आके उनको सस्पेंड करने की कोशिश की जाएगी, या उनको ताहयात जो उनकी नहली उसको ख़त्म करने की बात की जाए कि चलें जी 5 साल का वक्फा तो से पूरा हो के ताउमर नहीं होना चाहिए। और कहा जाए कोई वकीलों का ग्रुप है जिसको कहा जाएगा बाहर के कुछ लोग जो हैं आप लोग जाएँ ताकि बेंच जो है उस पर ज़रा दबाव रहेगा। सो इमरान खान साहब तक ये खबरें पहुँच रही हैं, प्लस ये खबरें इमरान खान साहब तक पहुँच रही हैं कि इस्टेबलिशमेंट जो है वो शायद बरह रास्त रबते में हैं, और अब की दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं ख़ुद उन्होंने बातचीत की, और मियाँ साहब ये कह रहे हैं ये फिर जो उसमें सामने चीज़ें आ रही हैं मुझे कोई पता चला है कि मेरे आने से पहले मैं उस वक्त ही आऊँगा जब यहाँ पर कोई जमानत हो चुकी होगी, कुछ अदालती रिलीफ मुझे मिल चुका होगा, सीधे वो जेल आने के लिए शायद वो मुश्किल है, वो चाहते हैं कि आप लोग अगर सिंसियर हैं जिनसे मुज़ाकरात उनके हो रहे हैं तो फिर मुझे पहले रिलीफ लेकर दें ताकि मैं आऊँ तो सीधा जेल ना जाऊँ, मेरी कोई जमानतें या कुछ ना कुछ मुझे इस तरह का ऑर्डर लेकर दिया जाए कि मियाँ साहब आएंगे तो अदालत में जाएंगे केसेस का सामना करेंगे बला बला, और फिर जो केसेस का फैसला होगा बाद में देखें। सो वो कुछ ना कुछ मियाँ साहब रिलीफ चाहते हैं, ब्लाइंड वो भी खेलने को तैयार नहीं है कि मैं सीधा आऊँ और जेल में जाऊँ। खैर अभी देखते हैं, वो नेवर नो कि किसी वक्त भी हालात और ये चीज़ें बदल सकती हैं। सो वहाँ पर चीज़ है, अब सवाल ये है दो चीज़ें, एक तो नवाज शरीफ साहब जो हैं क्या वो इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल हो रहे हैं, इस्तेमाल होने की जहाँ तक यहाँ से शुरू करते हैं, एक ये भी मतलब सामने आ रही है बात कि शायद जो दूसरा कैंप है पिंडी वाला कैंप जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल करके इस तरह की वो डील वाली खबरें करके शायद इमरान खान साहब जो ज़रा थोड़े से पर पुरजे अपने उन्होंने निकालने शुरू कर दिए थे, और DGISI के मामले पर जिस तरह का स्टैंड लिया और जिस तरह की एम्बेरसमेंट हुई पावरफुल लोगों को, तो शायद वो बताना चाह रहे हैं कि भाई साहब कि आपके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है, जो आप बार बार कहते थे जी कि मेरा कोई ऑप्शन है तो ले आए, या मेरे बगैर ये मुल्क नहीं चलेगा, या खुदा ना खासा मैं नागुजीर हूँ और अगर मैं ना रहा तो खुदा ना खासा मुल्क नहीं रहेगा, आप लोग नहीं रहेंगे। सो वो ये मैसेज भेजना चाहते हैं वाया मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि ज़रा इनको खड़ा किया जाए, डील की बातें भी हैं, कुछ ना कुछ रबते भी डेफिनेटली हो रहे हैं जैसे मैंने कहा। सो इमरान खान साहब को ज़रा उनकी पोजीशन और उसमें लाया जाए, वो कहते हैं औकात में लाया जाए, सो वो भी एक हो सकता है अल्टीमेटली, क्योंकि उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ तो कैसे जनरल बाजवा साहब जो हैं उनके साथ काम कर सकेंगे, मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर उस वक्त काम नहीं चल सका जब वो आके नए नए आर्मी चीफ बने थे, जनरल बाजवा साहब ने 2-4 बड़े मुश्किल फैसले भी किए थे नवाज शरीफ साहब को रेस्क्यू करने के लिए, आपको याद होगा जब उन्होंने खुद भी कहा था मेरे ऊपर बड़ा दबाव था, लेकिन उस वक्त उन्होंने किया था एक पोलिटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है डेमोक्रेटिक हमें सपोर्ट देनी चाहिए, जब उन्हें ट्वीट वगैरह उन्होंने वापस किए थे, ट्वीट इज रिजेक्टेड वगैरह का आपको याद होगा। सो उन्होंने उस वक्त भी इनको आके अच्छी खासी बहुत सारी फेवर्स की थी कि उनका ख्याल था कि जमहूरी हुकूमत है इसको चलना चाहिए, इनको सपोर्ट देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको पता है मामला जो है वो ना चल सके। सो अगर उस वक्त नहीं चल सके तो मियाँ साहब या कोई इस वक्त आज नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो कहा जा रहा है कि शायद उनके कैंप की तरफ से बात की जा रही है कि बहुत जल्द कोई धमाका होने वाला है जनवरी फरवरी में, कोई बहुत कोई बड़ा काम होने वाला है, तो क्या जनाब बाजवा साहब उनके साथ चल पाएंगे उनके साथ, और इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी जो है ये वादे करने में और बाद में धोखे देने में बड़े माहिर हैं, बड़ी आपको यकीन नहीं आता, कभी आपदा हुसैन की किताब पढ़कर आप देख लें पावर फेलियर है, उसमें लिखा हुआ है कि कैसे जब मैंने आगे फरूक लगारी से इनकी डील करवा रही थी 1996 में बेरजी भुट्टो हुकूमत को तोड़ने के लिए, तो मियाँ शरीफ साहब ने मुझे बुलाया था वहाँ पर, उन्होंने मरी बुलाया था और मुझे कहा था कि बेटा अगर आप उसके साथ लगारी के साथ हमारी डील करा दें तो मैं आपके लिए सारी उम्र मैं आपका एहसान मान रहूँगा, मेरे बच्चे भी एहसान मान रहे हैं कि आप किसी तरीके से हमारी लगारी साहब से डील करवा दें, तो आपदा हुसैन ने कहा मैंने डील करवा दी, और वो जो मुझे कहते थे कि सारी उम्र मैं आपके आप हमारी मोहसिन होंगी, तो उसकी डिटेल उन्होंने पूरी किताब में लिखी है कि उन्होंने मोहसिनों के साथ बाद में क्या कुछ किया था। सो ये बहुत सारी मिसालें हैं, मैं आप इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, कि मियाँ साहब जो हैं इस तरह के फिलर छोड़ते रहते हैं लोगों को वादे वईद करके, बाद में जो ही पावर आप हाथ में आते हैं उसके बाद रस्सी नीचे से खींच लेते हो, ये उनका पुराना उनका वर्थीरा भी है, तो सो वो भी उन्हें पता है डेफिनेटली कि जनाब के इमरान खान साहब के साथ चलना अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बेहतर होगा कि अगर वो नवाज शरीफ का दबाव इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब के साथ मामला ठीक कर सकें, या जो कुछ वो चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उसके नवंबर जब 2022 आएगा और इमरान खान साहब अभी से कुछ उस पर एश्योरेंसेज ऐसी करा देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो अभी भी इमरान खान साहब के साथ जाना पसंद करेंगे। वो कहते हैं इट्स बेटर टू डील विद द डेविल यू नो देन द वन यू डोंट नो,
सो वो अभी भी उन्हें सूट करता है कि जैसा भी है चलो ठीक है, कहीं ना कहीं बातचीत करके काम तो चल ही रहा है ना, कोई अब ओपनली तो हमारे इख्तलाफात जो हैं उस तरीके के नहीं है, या हमने एक दूसरे को उस तरह के, जैसे नवाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो तो उस पर जनरल बाजवा पर तो बड़े पर्सनल अटैक्स किए हैं उन्होंने, जनरल फैज़ पे किए हैं, नवाज शरीफ साहब ने वगैरह ने किए हुए, इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब की इस तरह की अभी चीज़ें वो नहीं हुई कि एक दूसरे पर ओपनली अटैक्स की उसकी पोजीशन, अगरचे इंडिकेशन ड्रॉप होते रहते हैं, जैसे वो DGISI वाला मामला हमने देखा, उसे ये फील हुआ कि शायद वन पेज जो है ना वो फट गया है, या वन पेज जो है ना वो अब नहीं रहा, उसमें ड्रिफ्ट वो कहते हैं वो आई है, डेफिनेटली गल्फ इज देयर, एक उसमें बनी है, खलीज तो है, लेकिन अभी भी वो देखेंगे सोचेंगे कि हम एक नई हुकूमत के साथ क्या चल पाएगी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिनके साथ, जैसे मैंने फिर कहा कि अभी बहुत सारा टाइम रहता है उनको, जनरल उनके लिए बाजवा साहब के लिए, कि अगर नई हुकूमत आती है, नए इलेक्शंस होते हैं तो इट विल टेक टाइम, क्या अश्योरेंसेस होगी, ये चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, सो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, अगर वहाँ डील होती भी है कोई इस तरह का कोई बातचीत होती है तो सो वेरी वाइजली वो अपने कार्ड सारे देखेंगे। उसके बाद अब या तो वो नवाज शरीफ साहब उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, वही वादे वईद करके जनाब हम कुछ देखेंगे आपके लिए मजीद फर्दर एस्टेब्लिशमेंट के लिए, या उनके लिए क्या किया जा सकता है, लिहाजा अभी तो आप हमें आने दें, रिलीफ लेकर दें, इकॉनमी ठीक कर देंगे, यूँ कर देंगे, आपको एक्सटेंशन दे देंगे, पहले ही वोट उन्होंने डाला, सबसे बड़ी ऑफर तो वो ये कर सकते हैं जनरल बाजवा साहब को कि हम आपको एक्सटेंशन आपको दे देंगे और आपको कोई इसी पे ये इस तरह की बातें वैसे जनरल कियानी के साथ भी हो रही थी, सुने जनरल रहील के साथ भी इसी तरह की बातें हुई थी, बाद में इख्तलाफात की नज़र हुई थी, वो खैर डिफरेंट स्टोरी है। दूसरी तरफ में ये उस पर है कि वो अब ये नहीं समझ आ रहा कि हु इज़ यूजिंग हु, नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट को यूज़ करना चाहते हैं अपने केसेस, वो सारे जो हैं वो सारे वो रिवर्स कराना चाहते हैं, रिलीफ लेना चाहते हैं, दोबारा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं इलेक्शन के जरिए, या वट एवर, या उधर से दूसरी साइड जो है वो कि नवाज शरीफ साहब को ला के इमरान खान साहब को सबक सिखाना चाहते हैं कि जनाब के आप डिफेंस में उतरे हुए हैं, या उन्हें फर्दर को एक्सटेंशन चाहिए तो वो नवाज शरीफ साहब जो हैं उस काम के लिए उनके यूज़फुल हो सकते हैं कि उनका पोलिटिकल क्लाउट या उनके थ्रेट जो है ना वो इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करके कुछ मकासद हासिल किए जा सकते हैं। सो इट्स नॉट क्लियर हु इज़ यूजिंग हुम। अब आते इमरान खान साहब के, अगर आपको पता है कि आपके आप अपोजिशन लीडर तो नहीं है, जैसे मैंने कहा आप बताएं ना कि रिलीफ देने की कोशिश कौन कर रहे हैं, खुलकर बात करें, आप किसको मैसेज भेज रहे हैं कि क्या आर्मी को भेज रहे हैं, अदलिया को भेज रहे हैं, क्योंकि मैंने फिर कहा उन्हीं की तरफ से। सो इस वक्त जब आप बात करते हैं, वेग सी बात करते हैं, तो इससे ये लगता है कि इमरान खान साहब भी वो अभी खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये भी कुछ लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ऑलरेडी आपकी उनके साथ पीपल्स पार्टी हो, नवाज लीग हो, तलुकात उस तरह के नहीं है, कैन यू अफोर्ड इट कि इमरान खान को 5 साल पूरे किए बगैर आप पहले घर भेज दिया जाए, तो मुस्तकिल वो सियासी शहीद बन के आपके गले में उसमें फिट रहेंगे, तकरीरें करेंगे, बताएंगे जी मैं तो ये कर रहा था, वो कर रहा था, फलां कर रहा था, और मुझे मेरा एजेंडा पूरा नहीं करने दिया गया, ब्ला ब्ला चीज़ें। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि क्या डील अगर की जाए तो इमरान खान साहब जो है वो उस पर क्या रिएक्ट करेंगे अगर उनको पावर से बाहर जाना पड़ता है, वो अगरचे थ्रू प्रॉपर चैनल ही जाएँ, पार्लियामेंट के जरिए जाएँ, या उसके मतलब नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, लेकिन फिर भी एस्टेब्लिशमेंट सोचेगी कि कम अज़ कम अभी तो इमरान खान साहब जो हैं जैसे तैसे हमारे साथ खड़े हुए हैं और अभी मामला चल रहे हैं। सो बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि इमरान खान को आप उनको सियासी शहीद बनाने के बजाय बेहतर है उनको 5 साल पूरे करने दें, ताकि जो भी लोगों का रोमांस है नहीं है वो अपना आके सारा कुछ देख लें। अभी KP के रिजल्ट के बाद मजीद लोगों को उम्मीद हुई है कि जनाब के बेहतर तो यही है कि इनको अपना काम जो है ना पूरा करना दिया जाए, ताकि कल को ये कुछ उस पर वो ना कर सकें, उन पर एतराज़ ना कर सके। लास्टली वो कहते हैं आसिफ अली जरदारी हैं, उन्हें भी इस वो भी थोड़े से नाराज़ हैं, इसलिए वो उन्होंने फौरी तौर पंजाब में आकर उन्होंने कि 5 हम जलसे जुलूस करेंगे, 5 जनवरी से लाहौर में आएंगे, इस्लामाबाद में कैंप लगा लेंगे, उन्हें भी पता चला कि शायद नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, सो लिहाजा वो भी उन्होंने भी गुस्से का इजहार करके आने का उन्होंने फैसला किया। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक तरफ नवाज शरीफ कैंप है वो अपने आके धूल उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डील हो रही है बातचीत, जो कि मैं कहता हूँ कि बिल्कुल कंटेक्ट इनके हैं, उसमें भी वहाँ पर प्रॉब्लम है कि नवाज शरीफ वजीर अजम बनेंगे, शहबाज शरीफ बनेंगे, कभी कहते हैं शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, कभी कहते हैं नवाज शरीफ साहब के बगैर नहीं होगा। सो बहुत सारी कन्फ्यूजन है उसमें, इमरान खान साहब नाराज़ हैं, जरदारी साहब का रिएक्शन आ गया है, नवाज शरीफ साहब का कैंप है वो सामने आ रहे हैं। सो एक बड़ी अजीब सी एक पोलिटिकल इंटरेस्टिंग पोलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर होंगी मार्च तक, अगरचे जो ये उसके जनवरी का कहा जा रहा है कि जनवरी में आजाद साधक ने बहुत बड़ा बम फटेगा, फटता है या नहीं फटता, लेकिन जो मैक्सिमम जो मेरा ख्याल है इसकी लिमिट है जो चेक हो जाएगा कि इन रिपोर्ट्स में कितनी वो है, कौन क्या चाहता है, तो वो मेरा ख्याल मार्च जो है ना इट वुड बी वेरी डिसाइसिव मंथ। ज़्यादा इंतजार करते हैं सर कि मार्च में क्या होता है।